तो गाइस यहाँ पे YouTube की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आया है। जैसे आप कोई भी वीडियो प्ले करते थे और जैसे उसकी पिक्चर क्वालिटी वीडियो की जैसे आप सेलेक्ट करते थे यहाँ से, तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ वहाँ पे जो क्वालिटी थी आपको वही दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे ऑटो हायर पिक्चर क्वालिटी डेटा सेवर, तो ऑटो में तो दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑटो पे आप कर देते हैं तो आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दी जाएगी। और उसके बाद हायर पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा आपका डाटा जो है यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा, और डेटा सेवर में आपको यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पे लो हो जाएगी और आपका डेटा जो है यहाँ पे बचेगा। उसके बाद ये जो एडवांस वाला है जो आप पहले ओल्ड में देखते थे ओल्ड फीचर में, तो वो फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने पिक्सल की जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे देखनी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे आप कोई दूसरी वीडियो अगर देखते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि इसमें जैसे आप दोबारा इस पर सेलेक्ट करेंगे और क्वालिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है इसमें ये सेलेक्ट नहीं होता है और ये मतलब हायर पे हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देख लेनी है ताकि आपका जो है ज़्यादा डेटा ना लगे। बाकी अपडेट यही था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।